हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। मैं हूं मुनेश कुमारी और सी सेट पेपर टू की T5 सीरीज़ के अंदर आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट और लॉस एंड डिस्काउंट। तो स्टूडेंट्स, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट में से एवरी ईयर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। दैट मीन्स कि 22.5 मार्क्स का आपका हर साल प्रॉफिट लॉस आता है। तो अगर हम देखते हैं प्रीवियस ईयर का रिकॉर्ड चेक करते हैं हम, तो उस एनालिसिस के अकॉर्डिंग 2014 के अंदर आपका एक क्वेश्चन था, 2015 के अंदर प्रॉफिट लॉस में से कोई क्वेश्चन नहीं था। उसके बाद 16, 17, 18 एंड 19 एवरी ईयर आपका एक क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस में से आ रहा है। तो स्टूडेंट्स, प्रॉफिट लॉस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ी बात एक ईजी सा टॉपिक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। कुछ बेसिक टर्म्स है, अगर वो आपको पता है तो आप बड़ा ही ईजिली आपके 2.5 मार्क्स ले लोगे आप लोग, ठीक है। तो ये देखते हैं कि हाँ जी, प्रॉफिट एंड लॉस है क्या। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि प्रॉफिट लॉस क्या होता है। तो जब भी हम कोई भी आइटम है हमारे पास में, हम उसको परचेज करते हैं, लाइक मैंने कोई भी आइटम है उसको परचेज किया है या फिर मैंने उसको सेल किया है, तो उस केस के अंदर परचेजिंग ये करते हैं या हम सेल करते हैं, तो उस केस के अंदर हमारे पास में जो टर्म है प्रॉफिट एंड लॉस ये निकल के आती है। कैसे? अगर जब हम एक आइटम को परचेज करते हैं तो जिस प्राइस के ऊपर हम उसको परचेज करते हैं तो उसको क्या कहते हैं बच्चे? सीपी। सीपी मतलब होता है आपका कॉस्ट प्राइस, ठीक है। और जब हम आइटम को सेल करते हैं तो उसको बोलते हैं एसपी। एसपी मतलब होता है आपके पास में सेलिंग प्राइस। क्लियर? जब आपका जो सीपी है, जब आपके पास में आपका जो सीपी है वो क्या है? कम है। इफ़ योर सीपी इज लेस देन एसपी, अगर आपका सीपी कम है किससे? एसपी से, तो उस केस में क्या होगा? आपको प्रॉफिट होगा। मीन्स हमने कोई भी आइटम है अपने, उसको हमने कम पैसे के अंदर परचेज किया है और उसके बाद में उसको कुछ ज़्यादा अमाउंट के अंदर हम सेल कर रहे हैं, तो हमें क्या होगा? प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट आप कैसे फाइंड आउट करोगे? प्रॉफिट इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास में बच्चे क्या होगा? एसपी माइनस सीपी। क्लियर है? हाँ जी, ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं, इनको आपको बिल्कुल समझना। अगर आपकी बेसिक टर्म्स क्लियर हैं तो सी सेट के अंदर बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आता है। एग्ज़ाम के अंदर काफ़ी इजी क्वेश्चंस आपके आते हैं, बट आपके अगर कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है तो आप वो इजी क्वेश्चन भी नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे देखिए, ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया आई होप, कि प्रॉफिट कब होगा? जब आपका जो सीपी है वो कम होगा किससे? एसपी से। क्लियर? उसके बाद में हम बात करते हैं लॉस की। लॉस कब होगा? अगर हमारे पास में जो हमारा आर्टिकल है उसको हमने क्या किया है? जो परचेज किया है, मींस जो आपका सीपी है दैट इज ग्रेटर देन द एसपी। मींस सीपी आपका ज़्यादा है किससे? एसपी से, तो उस केस में आपको क्या होगा? लॉस होगा। क्लियर है? और अगर हमें लॉस फाइंड आउट करना है तो लॉस आप कैसे फाइंड आउट करोगे? सीपी माइनस एसपी। क्लियर? हाँ जी, ये बिल्कुल ही बेसिक टर्म है। प्रॉफिट मीन्स एसपी माइनस सीपी। ऑब्वियसली जो ज़्यादा है, अगर एसपी ज़्यादा है तो आप एसपी में सीपी माइनस करोगे और क्या आ जाएगा आपके पास में? प्रॉफिट आ जाएगा। और लॉस के केस में क्या है? सीपी आपके पास में ज़्यादा है तो सीपी माइनस एसपी करोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा? लॉस आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि हाँ जी, लॉस परसेंटेज फाइंड आउट करनी है या फिर आपको प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। तो परसेंटेज का टर्म आपको मैंने बताया था कि परसेंटेज दैट मीन्स कि आउट ऑफ 100, एनीथिंग आउट ऑफ 100। अगर प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करनी है तो प्रॉफिट परसेंटेज के लिए आप क्या करोगे? प्रॉफिट डिवाइडेड बाई सीपी, मीन्स जो हमारा सीपी है मल्टीप्लाई बाई, मैंने कहा आउट ऑफ 100 दैट मीन्स मल्टीप्लाई बाई 100। क्लियर? अगर हमारी प्रॉफिट परसेंटेज आपको निकालनी है तो उस केस में आप क्या करोगे? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी इनटू 100। सेम वे अगर आपको लॉस परसेंटेज फाइंड आउट करनी है तो लॉस परसेंटेज आप कैसे फाइंड आउट करोगे? लॉस डिवाइडेड बाय सीपी अगेन मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आपके पास में क्या आ जाएगा? आपका लॉस परसेंट आ जाएगा। क्लियर? तो यहाँ से एक पॉइंट आपने ध्यान दिया हो कि जब हम लॉस निकाल रहे हैं या प्रॉफिट निकाल रहे हैं तो प्रॉफिट और लॉस दोनों ही आप किस पे कैलकुलेट करते हो? सीपी पे कैलकुलेट करते हो। तो ध्यान क्या रखना है कि प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस दोनों के दोनों आपके किस पे कैलकुलेट होते हैं? आपके सीपी पे कैलकुलेट होते हैं, ठीक है। कई बार गिवन होता है क्वेश्चन में कि आपको थोड़ा सा उलझाने के लिए एग्जामिनर क्वेश्चन दे सकता है, यूपीएससी में आ भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, कि जो आपको प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करो एट एसपी।
एसपी पे अगर है तो यहाँ पे आप सीपी की जगह क्या कंसीडर कर लोगे, एसपी ले लोगे। क्लियर? हाँ जी, तो कुछ फॉर्मूलाज जो ये थे ये मैंने आपको बता दिए हैं, इनको एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। हाँ जी, गेन एसपी माइनस सीपी, लॉस सीपी माइनस एसपी, और लॉस और गेन हमेशा किस पे रिकॉर्ड होते हैं, सॉरी ये रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डेड किस पे होते हैं, किस पे, हाँ जी सीपी पे। ठीक है, तो गेन परसेंट आप कैसे फाइंड आउट करोगे, गेन गेन इंटू 100 डिवाइडेड बाई सीपी, तो वही हो गया आपके पास में, क्या है गेन डिवाइडेड बाई सीपी, यही मैंने बताया था आपको। ठीक है, इंटू 100, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं गेन इंटू 100 डिवाइडेड बाई सीपी। क्लियर? सेम वे आपके पास में लॉस परसेंटेज फाइंड आउट करना है, तो लॉस इंटू 100 डिवाइडेड बाई सीपी। एसपी, अब आपके पास में ऐसा भी तो हो सकता है कि क्वेश्चन के अंदर आपके पास में सीपी गिवन है, ठीक है, और आपके पास में गेन परसेंट या लॉस परसेंट गिवन है, तो उस केस में आपको एसपी भी फाइंड आउट करना पड़ सकता है। तो अगर आपको एसपी फाइंड आउट करना है तो आप कैसे निकालोगे, तो एसपी कैसे करोगे आप, जो आपके पास में सीपी है, एक तो पर्टिकुलर कोई सीपी आपके पास में है, मल्टीप्लाई बाय, अब मान लीजिए मैं कहती हूँ कि मेरे को 25% का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो सीधा क्या करोगे, 125% ओ सॉरी 125 डिवाइडेड बाय 100, तो क्या किया ये मैंने 100 प्लस प्रॉफिट किया, हाँ जी, तो यही हो रहा है। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, एसपी क्या हो गया 100 प्लस गेन परसेंट, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट मींस 125 डिवाइडेड बाय 100 इनटू सीपी। क्लियर? सेम भी अगर एसपी है निकालना है मैंने, बट मेरे पास में क्या है लॉस परसेंट, अगर लॉस है तो यहाँ पे आप जहाँ पे हम प्लस कर रहे हैं वहाँ पे क्या कर देंगे, हम लॉस को माइनस कर देंगे। सिंपल सी बात है कि प्रॉफिट है तो क्या करना है, प्लस करना है, लॉस है तो हमने क्या करना है, माइनस करना है। अब बात करते हैं कि अगर आपके पास में एसपी गिवन है और आपको क्या फाइंड करना है, सीपी फाइंड आउट करना है, तो उस केस में आप कैसे निकालोगे, जो एसपी है ठीक है इनटू, देखो ये जो वैल्यू है ना ये रिवर्स हो जाएगी, अब मेरे पास में ये यहाँ पे गिवन था, तो ये जो 100 है देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये इधर चला जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया एसपी इंटू 100, क्लियर, डिवाइडेड बाय ये क्या हो गया 125 क्या था हमारे पास में 100 प्लस गेन परसेंट। ठीक है, तो क्या आ जाएगा ये मेरे पास में सीपी। क्लियर है? तो इसी से ही दूसरा फॉर्मूला बना है आपका, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका सीपी निकल जाएगा। इसी तरह से अगर मान लीजिए आपके पास में लॉस परसेंट गिवन है तो क्या करोगे, माइनस कर दोगे। क्लियर? आई होप बिल्कुल समझ आ गया होगा। तो ये था हमारे पास में सिंपल से फॉर्मूलाज थे। अगर हम डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते कि हाँ जी इतने परसेंट का प्रॉफिट है एसपी निकालिए, तो क्या करोगे आप डायरेक्टली 125% ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, जैसे मैं कुछ आपको एग्जांपल भी दे रही हूँ, यहाँ पे क्या है, इफ़ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट ए गेन ऑफ से 35%, तो एसपी क्या हो गया 135% ऑफ सीपी। क्लियर? इसी तरह से अगर लॉस पे है तो उस केस में क्या करोगे, एसपी इज इक्वल टू 65% ऑफ सीपी। 65 कैसे आया, माइनस कर दिया हमने 100 में से 35 को, और यहाँ कैसे आया हमने, प्लस कर दिया। अब इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाता है, देखो इजी क्वेश्चन होता है और स्टूडेंट्स इसी में ही उलझ जाते हैं। क्या है, व्हेन ए पर्सन सेल्स टू आइटम्स वन एट ए गेन, अब एक दो आइटम्स है आपके पास में, ठीक है जी, एक आपके पास में आइटम ए है और एक आइटम बी है, ठीक है, वन एट ए गेन ऑफ एक्स परसेंट, एक के ऊपर आपको क्या हो रहा है एक्स परसेंट का गेन हो रहा है, ठीक है, और जो दूसरा है उसके ऊपर क्या कह रहा है कि लॉस हो रहा है एक्स परसेंट का, दूसरे के ऊपर भी हो रहा है एक्स परसेंट ही, बट एक्स परसेंट का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, तो क्या हो रहा है एक्स परसेंट का लॉस हो रहा है। तो इस तरह के अगर कोई भी केसेस आपको एग्जाम में आता है तो उसमें हमेशा क्या होता है, सेलर को लॉस ही होता है, कभी भी प्रॉफिट नहीं होता, और आपकी जो ऑप्शन है ऑप्शन में क्या गिवन होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस भी गिवन होता है, तो हम ये सोचते हैं कि शायद इतने ही परसेंट यहाँ पे आपका प्रॉफिट था, इतना ही आपके पास में लॉस था, तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, बट इस तरह के केसेस में हमेशा क्या होता है, लॉस होता है, और उसका फॉर्मूला क्या है, हम मान लेते हैं जैसे यहाँ पे एक्स था, तो फॉर्मूला क्या होगा, एक्स स्क्वेयर बाई 100। क्लियर है? तो यही है आपका मींस एक्स बाई 10 डिवाइड का स्क्वायर, एक ही बात है। क्लियर? तो ये क्या है आपके पास में, हाँ जी ये क्या निकल के आ जाएगा,
दिस इज लॉस परसेंटेज। हमेशा इस तरह के केसेस में क्या निकल होता है, लॉस ही होता है, कभी भी प्रॉफिट नहीं होके आएगा आपका। तो ये क्या आ गया आपके पास में, लॉस परसेंट आ गया। क्लियर? हाँ जी। तो अब हम बात करते हैं डिस्काउंट की। डिस्काउंट क्या होता है, देखिए मान लीजिए आप बाजार जाते हो और बाजार के अंदर जाने के बाद में आप करते हो कि चलो कुछ परचेज कर लेते हैं। जब आप परचेजिंग करते हो तो उस टाइम पे क्या होता है कि वहाँ पे कुछ प्राइस लिखा होता है। सभी को पता है कि जब भी हम कुछ परचेज करने जाते हैं तो उसी आइटम के ऊपर एक प्राइस लिखा हुआ प्राइस होता है। मान लीजिए मैं कहती हूँ भाई उसके ऊपर ना 100 रुपये लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम कहते हैं, वो कहता है कि जब हम आपको ना इसको कम में दे देंगे। क्यों कम में दे देंगे, ताकि उसकी सेल बढ़ जाए। मैं इसको आपको 75 रुपीज़ में दे दूंगा, जो आपका जब आप उसको परचेज कर रहे हो तो दुकान से जो शॉपकीपर है वो कह रहा है कि हाँ जी मैं इसको आपको 75 रुपीज़ में दे दूंगा। तो उस केस में आपको देखो यहाँ पे उसने 25 रुपीज़ का क्या प्रोवाइड किया है, डिस्काउंट प्रोवाइड किया है। मीन्स MRP से अगर हम कोई भी प्रोडक्ट है उसको परचेज करते हैं तो उस केस में MRP से अगर हमें कुछ अमाउंट कम में वो चीज़ दी जाती है, मतलब कि हमें अगर कुछ डिबेट प्रोवाइड की जाती है, देन दैट डिबेट इज कॉल्ड डिस्काउंट। क्लियर है? हाँ जी। तो अभी मैंने क्या बताया, व्हाट इज डिस्काउंट, डिस्काउंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ द डिबेट गिवन ऑन द फिक्स प्राइस। और जो फिक्स प्राइस जो लिखा होता है दैट इज द मार्केट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। क्लियर है? इट इज गिवन बाय द मर्चेंट्स और द शॉपकीपर्स टू इंक्रीज देयर सेल्स। क्यों देते हैं वो, कि भी हमारी सेल जो है वो इंक्रीज हो जाए और इससे हमारे जो कस्टमर है उनको अट्रैक्ट करने के लिए वो इस तरह की करते हैं। तो डिस्काउंट अगर आपको फाइंड आउट करना है तो डिस्काउंट आप कैसे फाइंड आउट करोगे, जो आपका MRP है माइनस करोगे उसके अंदर से SP, तो क्या आ जाएगा आपका डिस्काउंट आ जाएगा। क्लियर है? हाँ जी। जो मार्केट प्राइस है वो क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया जो उसके ऊपर प्रिंटेड रेट है MRP, सभी को पता है, आई थिंक सभी को पता होगा। तो वो क्या होता है अपने पास में MRP होता है, जो उसके ऊपर एक रिटर्न प्राइस होता है कि हाँ जी इससे ज़्यादा आप नहीं बेच सकते। तो वो रिटर्न प्राइस को क्या कह रहे हैं हम, मार्केट प्राइस, जो फिक्स प्राइस है, ठीक है जी। आप उससे जितना भी आपको रिबेट मिल रही है दैट रिबेट इज कॉल्ड द डिस्काउंट। क्लियर? हाँ जी। तो अब डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, तो मैंने अभी आपको जैसे बताया था कि जब हम प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करते हैं तो किस पे करते हैं, CP पे करते हैं। सेम वे जब आपको डिस्काउंट फाइंड आउट करना है तो वो आप किस पे फाइंड आउट करोगे, हमेशा MRP पे डिस्काउंट फाइंड होता है, मार्केट प्राइस पे। क्लियर? हाँ जी। तो डिस्काउंट अभी पता चल गया हमें, डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अगर डिस्काउंट परसेंटेज फाइंड आउट करनी है देन डिस्काउंट डिवाइडेड बाय MP मल्टीप्लाई बाय 100, दिस इज द डिस्काउंट। डिस्काउंट यहाँ से आपने डिस्काउंट निकाला, डिस्काउंट डिवाइडेड बाई MP मल्टीप्लाई बाई 100। अगर SP फाइंड आउट करना है तो SP कैसे करोगे, मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट। अगर आपको SP फाइंड आउट करना है और आपके पास में डिस्काउंट गिवन है तो उस केस में आप क्या करोगे, MP इंटू 1 माइनस R बाई 100। मीन्स अगर मान लो मैं कहती हूँ कि हाँ जी मुझे 25% का डिस्काउंट मिला है और मेरा जो MP है वो कोई भी आपके पास में अमाउंट है, मान लीजिए 1000 रुपये है। क्लियर? तो SP कितना होगा आपका, हाँ जी SP कितना हो जाएगा, जितना भी आपका MP है इंटू जितनी भी आपकी रिबेट है। तो ये हो गया आपके पास में 100 माइनस R, एक्सक्यूज मी, तो ये हो गया आपके पास में 75 डिवाइडेड बाई 100। तो अगर आपको डिस्काउंट मिल रहा है 25% का, तो 1000 रुपीज़ का जो आपका प्रोडक्ट है वो आपको कितने रुपए में मिलेगा, 750 रुपीज़ के अंदर मिलेगा। क्लियर है? तो SP कितना हो गया उसका, 750 रुपीज़। इस तरह से अगर MRP निकालना है तो कैसे निकालेंगे, वही है सेम, ये आपके पास में जो वैल्यूज़ है वो इधर आ जाएंगी। देखो ये 1 माइनस जो ये है, इसको जब आप सॉल्व करते हो तो ये वैल्यू क्या बन के आती है, देखो 100 माइनस R बच्चे डिस्काउंट है यहाँ पे, ये है। क्लियर है? अब ये देखो 100 इधर चला गया तो ये कितना हो जाएगा, SP इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस R। क्लियर? और डिस्काउंट हमेशा किस पे कैलकुलेट करते हैं हम, मार्केट प्राइस पे। डन। ये दो पॉइंट है ध्यान रखने वाले हैं कि जो SP और CP है, ठीक है, तो उसके केस के अंदर क्या है कि SP CP MRP तीन पॉइंट्स हैं आपके पास में, ठीक है। तो जो इनके ऊपर जब प्रॉफिट और लॉस की बात होगी तो वो हमेशा किस पे होती है, हाँ जी CP पे।
प्रॉफिट और लॉस जब भी आप कैलकुलेट करोगे तो विद रिस्पेक्ट टू सीपी कैलकुलेट करोगे, और जब आप डिस्काउंट कैलकुलेट करोगे तो विद रिस्पेक्ट टू एमपी कैलकुलेट करोगे। क्लियर है? हाँ जी। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर के अंदर आए थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे जो 2014 के अंदर आया था, तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? इफ सोहन वाइल सेलिंग टू गोट्स एट सेम प्राइस, दो गोट हैं उनको सेम प्राइस के ऊपर उसने क्या किया है, सेल किया है, मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन वन गोट एंड सफर ए लॉस ऑफ 10% ऑन द अदर। तो अभी मैंने इसका फॉर्मूला आपको बताया मैंने कि अगर आपके पास में दो आइटम्स सेम प्राइस के ऊपर सेल हो रहे हैं एंड एट वन वी गेट सम इक्वल प्रॉफिट एंड एट द सेकेंड वी अकर टेन मतलब सेम लॉस, तो इन दैट केस हमेशा क्या होगा, लॉस अकर्ड होगा आपका। ठीक है, तो इस केस में लॉस कितना हो जाएगा आपके पास में? अभी फॉर्मूला क्या था हमारा, एक्स स्क्वायर बाई 100%, क्या हो जाएगा ये आपका लॉस होगा। तो इस केस में भी हमेशा क्या होगा अपना, लॉस होगा। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या गिवन है बच्चे, 10% गिवन है, देखो दोनों में 10 है, तो कितना हो गया 100 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 1। दैट मीन्स कि इस केस में आपके पास में क्या होगा, 1% का लॉस होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, ही सफर्स ए लॉस ऑफ 1%। क्लियर है? हाँ जी। देखिए बिल्कुल फॉर्मूला पे बेस्ड था, सिंपल क्वेश्चन था। हमेशा याद कर लो कि कभी भी आपके पास में अगर दो आइटम्स को सेम प्राइस पे सेल किया है एंड एट वन आइटम वी मेक सम प्रॉफिट एंड एट द अदर आइटम्स सफर द सेम लॉस परसेंट, इन दैट केस ऑलवेज वी सफर ए लॉस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 100%। क्लियर? हाँ जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे आपका 2016 में आया था, मैंने आपको बताया 2015 में प्रॉफिट लॉस का कोई क्वेश्चन नहीं था। तो ये देखिए, बट ये भी देखिए 16, 17, 18, 19 फोर ईयर से लगातार आपका एक क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है। तो इस बार भी आपका एक से दो क्वेश्चन में, क्या पता दो क्वेश्चन भी आ जाए, बट एक क्वेश्चन तो आपका पक्का है और ईजी है। देखिए हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए पर्सन अलाउज 10% डिस्काउंट, एक पर्सन है उसको 10% का डिस्काउंट अलाउ कर रहा है फॉर कैश पेमेंट फ्रॉम द मार्क्ड प्राइस ऑफ ए टॉय एंड स्टिल ही मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 10%। क्या है कि जो टॉय है उसका मार्क प्राइस है उसके ऊपर 10% का वो डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहा है, उसके अलाउ उसके बाद भी उसको 10% का गेन हो रहा है। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय विच इज मार्क्ड 770 रुपीज। तो यहाँ पे देखिए अपने पास जो मार्क प्राइस है इसका वो कितना है, 770 रुपीज है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि एसपी कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, हाँ जी मार्क प्राइस इंटू क्या करोगे आप, हाँ जी 10% का डिस्काउंट है सो 100 माइनस 10 सीधा ही आप इसको 90 लिखो, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, इसको आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, इतना सीधा आप ऐसे लिख लिया करो इसको 770, ठीक है, इंटू 90 बाई 100। तो ये आपके पास में क्या हो गया, एसपी। अभी कैलकुलेट नहीं करना हमने, ठीक है, जस्ट हमने ये कर लिया कि हाँ जी माइंड में रखा कि भाई ये मेरा क्या निकल के आ गया, एसपी। अब इस एसपी पे उसको क्या हुआ है, 10% का गेन हुआ है। अब गेन है तो सीपी निकालना है मुझे, तो गेन से सीपी का फॉर्मूला क्या था, एसपी इंटू, ये एसपी है, एसपी इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 10 गेन परसेंट, तो कितना हो गया 110। वो क्या है कि अगर मान लो आप पहले कैलकुलेशन करोगे तो आपका टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि पहले आप कैलकुलेशन करने में टाइम लगाओगे फिर दोबारा फर्दर कैलकुलेशन करोगे, बल्कि जब सारा करके उसके बाद में कटिंग कर लिया करो। जैसे यही है, 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, ये जो है सिंगल जीरो, सॉरी दोनों नहीं जीरो आपकी हुई है कैंसिल आउट, ठीक है, और ये सिंगल जीरो कैंसिल आउट हो गई, ये 11 से ये हो गया 7, तो ये आपके पास में कितनी वैल्यू आ गई, हाँ जी ये हो गया आपके पास में 630। क्लियर है? तो ये आपका आंसर आ गया।
दोबारा से एक बार रिवाइज करवा देती हूँ आपको, क्या है कि आपको एमपी गिवन है 770। जब आपके पास में एमपी है तो हम एसपी कैसे फाइंड आउट करते हैं, एसपी होता है आपके पास में एमपी इनटू 100 प्लस, सॉरी 100 माइनस डिस्काउंट डिवाइडेड बाय 100। क्लियर है? और जब हमारे पास में एसपी है तो सीपी कैसे निकालते हैं, यहां से एसपी आ गया अपना, जब सीपी कैसे फाइंड आउट करते हैं, सीपी इज इक्वल टू क्या होता है, एसपी इनटू 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट। क्लियर है? तो इसी को मैंने यूज किया है। और यहाँ पे आपके पास में देखिए, जब एसपी निकल गया, एसपी कितना हो गया आपके पास में 770 इंटू 90 डिवाइडेड बाई 100। अब ये आपका एसपी है। अब इसके बाद में सीपी का फॉर्मूला क्या था, एसपी इंटू 100 बाई 100 प्लस प्रॉफिट। तो ये मैंने एज इट इज लिख दिया, ये हमारा क्या था, एसपी एसपी इंटू 100 डिवाइडेड बाई 110। ठीक है? तो यहाँ से हमारे पास में वैल्यू क्या आ गई, 630 आ गई है। क्लियर? हाँ जी, बिल्कुल समझ आ गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पे देखिए, ये 2017 में आया था। क्या कह रहा है, गोपाल बॉट ए सेल फोन एंड सोल्ड इट टू राम एट 10% प्रॉफिट। जो गोपाल है उसने एक सेल फोन खरीदा और उसको राम को सेल कर दिया, कितने पे, 10% प्रॉफिट पे। देन राम वांटेड टू सेल इट बैक टू गोपाल एट 10% लॉस। अब जो राम है अब वो कह रहा है कि हाँ जी मैं तो इसे वापिस लूंगा वापिस, और कह रहा है कि हाँ जी 10% लॉस पे ले रहा है वो। वट विल बी द गोपाल्स पोजिशन इफ ही एग्रीड। अगर जो राम है वो एग्री हो जाता है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं इसको आपको 10% लॉस में वापिस दे दूंगा, तो कह रहा है कि गोपाल की पोजिशन बताइए। क्लियर? हाँ जी। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 10% प्रॉफिट और 10% लॉस देखते ही आप क्या करो कि हाँ जी अपना फॉर्मूला लगा दो। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि गोपाल है, उसने एक जो है सेल फोन परचेज किया, तो मैं मान लेती हूँ कि जो मेरा सीपी है वो कितना है, 100 रुपीज़ है। ठीक है जी। अब उसने उसको क्या किया, राम को सेल कर दिया। ये गोपाल का सीपी है, किसका है, गोपाल के लिए। ठीक है? अब उसने क्या किया, उसको सेल कर दिया, कितने में किया है, 10% प्रॉफिट में। 10% प्रॉफिट में तो सीधा सा है कितना हो गया आपके पास में, वैसे तो 10% प्रॉफिट में सीधा ही आ गया कि हाँ जी 100 का 10% कितना हो गया, 10 हो गया। दैट मीन्स उसने 110 रुपए का उसको सेल कर दिया। फिर भी मैं आपको एक बार समझाने के लिए यहाँ पे राइट डाउन कर देती हूँ। तो ये आपके पास में वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, 110 रुपीज़ का उसने सेल कर दिया, किसको, राम को। तो राम के लिए, जो राम है तो राम के लिए सीपी क्या हो गया, जब राम ने खरीदा है उसको तो राम का सीपी क्या है यहाँ पे, हाँ जी राम का जो सीपी है वो कितना है, 110 रुपीज हो गया। अब उसके बाद में क्या कह रहा है, देन राम वांटेड टू सेल इट बैक टू गोपाल। अब जो राम है वो गोपाल को दोबारा से सेल करना चाहता है, भाई तेरा प्रोडक्ट है तू अपने आप ले ले, मेरे को पसंद नहीं आया। ठीक है, कुछ भी इस तरह का कोई भी इश्यू हो सकता है कि भी मुझे नहीं पसंद है, मैं वापस ले ले, चल मेरे को थोड़ा नुकसान हो जाएगा। तो वो उसको क्या कर रहा है, 10% लॉस पे वापस दे रहा है। तो लॉस 10% है, तो अब वो गोपाल को वापस कितने में देगा, 10% लॉस में दे रहा है वो। तो 10% लॉस के अंदर आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाँ जी 90 इंटू 100। जब लॉस होता है तो हम क्या करते हैं, उसको माइनस करते हैं, मैंने अभी बताया था आपको। तो ये यहाँ पे देखिए वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, 99 रुपीज। ठीक है? अब दोबारा से प्रोडक्ट किसके पास चला गया, जो सेल फोन था गोपाल के पास चला गया। तो यहाँ पे देखो, जो गोपाल है उसने शुरू में प्रोडक्ट को कितने रुपए में खरीदा था, 100 रुपए में खरीदा था। ठीक है? और अब उसके बाद में यहाँ पे देखिए कि 100 रुपए से पहले उसके पास में वो 100 रुपए का था, अब वापिस उसने उसको बेच दिया, फिर अब 100 से वापिस अब उसको कितने पैसे देने पड़ रहे हैं, 99 रुपीज देने पड़ रहे हैं।
तो यहाँ से उसको क्या हो गया, उसको तो 1 रुपये का प्रॉफिट ही हो गया। जब 1 रुपये का प्रॉफिट हो गया तो ये हम कैलकुलेट किस पे कर रहे हैं, 100 पे कैलकुलेट कर रहे हैं। और जब 100 पे कैलकुलेट कर रहे हैं दैट मीन्स दिस इज 1%, तो क्या हो गया उसको 1% का बच्चे प्रॉफिट हो गया। तो क्या आंसर आ जाएगा, गेन ऑफ 1%। क्लियर है? हाँ जी। क्या है कि जो गोपाल है, गोपाल के पास 100 रुपीज का प्रोडक्ट था, उसने 110 में राम को सेल कर दिया, राम ने अगेन उसको 99 रुपीज में सेल कर दिया। तो गोपाल को देखो पहले 100 का था, अब उसको 99 में पड़ गया हो, ठीक है? तो उसको क्या हो रहा है कि जो 1% का प्रॉफिट हो रहा है, गेन हो रहा है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास में, सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। क्लियर? सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट ₹40। ये आपका देखो 2018 में क्वेश्चन आया था। क्या है कि शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट ₹40 एंड गेट्स X% प्रॉफिट। X% का क्या हो रहा है उसको, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है जी। हाउएवर व्हेन ही सेल्स, कब हो रहा है, जब वो ₹40 का उसको सेल कर रहा है तो, ठीक है, जब उसका SP कितना है, ₹40 का है, तो उसको X% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर? हाँ जी। आगे क्या है कि व्हेन ही सेल इट एट ₹20, और जब उसको वो ₹20 का सेल कर रहा है, तो उस केस में उसको X% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, ठीक है। ही फेसिस ए लॉस ऑफ सेम परसेंटेज ऑफ द लॉस। क्लियर? अब व्हाट इज द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल। अब यहाँ पे देखिए, X% प्रॉफिट हो रहा है, X% लॉस हो रहा है। जो प्रॉफिट लॉस है वो हम किस पे निकालते हैं, SP पे निकालते हैं या CP पे निकालते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि प्रॉफिट और लॉस दोनों की दोनों किस पे कैलकुलेट होते हैं, CP पे। दैट मीन्स दोनों केसेस में आफ्टर कैलकुलेशन जो अमाउंट आएगी वो सेम आएगी। जो प्रॉफिट लॉस होगा, ठीक है, तो वो हमारा CP पे कैलकुलेट हो रहा है। और यहाँ पे जो CP है, CP तो सेम है, आपके पास में चेंज क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है SP। तो जो प्रॉफिट लॉस है वो तो सेम ही है, तो यहाँ पे आपको परसेंटेज में तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। क्लियर? अब हम मान लेते हैं कि देखो ये आपका प्रोडक्ट ₹40 का है, ठीक है, तो 40 का है और इसका जो CP है, CP कोई भी हम अमाउंट ले लेते हैं कि भाई CP इसकी ₹Y है, ठीक है। तो अब प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट लॉस दोनों केसेस में इक्वल है, तो यहाँ पे प्रॉफिट मैंने आपको बताया था, प्रॉफिट क्या होता है, SP-CP, ठीक है। प्रॉफिट क्या होता है आपके पास में, SP-CP। तो यहाँ पे हमारे पास में फर्स्ट केस में SP कितना है, 40-CP इज इक्वल टू क्या आ गया, ये था हमारे पास में प्रॉफिट। अब दूसरे केस के अंदर हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, ठीक है। तो जो लॉस हो रहा है वो कितना हो रहा है, लॉस क्या होता है आपका, CP-SP, CP-SP, SP कितना है, 20। क्लियर? और ये क्या हो गया हमारे पास में लॉस, और इसने बताया कि प्रॉफिट और लॉस परसेंट क्या है, इक्वल है। तो यहां से देखो जब आप इसको कैलकुलेट कर रहे हो तो कितना हो गया, 2y इज इक्वल टू, वैल्यू कितनी आ गई, 60, ठीक है। सो y इज इक्वल टू हो गया आपके पास में, हाँ जी, 30। क्लियर? सो आंसर क्या आ गया आपका, ₹30। क्लियर? हाँ जी। दोबारा से क्वेश्चन को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या है, ए शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल ₹40। अगर एक शॉपकीपर अपने आर्टिकल को ₹40 में सेल करता है तो उसको X% का प्रॉफिट होता है। हाउएवर व्हेन ही सेल इट ₹20 ही फेसेस सेम परसेंटेज ऑफ लॉस। अगर वो उसको ₹20 में सेल करता है तो उसको उतना ही लॉस हो रहा है। प्रॉफिट और लॉस परसेंट आपकी इक्वल है। जब प्रॉफिट और लॉस परसेंट आपकी इक्वल है दैट मीन्स कि जब आप अमाउंट कैलकुलेट करोगे प्रॉफिट लॉस की, वो भी आपकी इक्वल होगी, बिकॉज द प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट ऑन CP, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। हम ये मान लेते हैं कि जो हमारा CP है कितना है, ₹Y है, तो प्रॉफिट कितना आएगा, प्रॉफिट कितना आएगा आपका, 40-Y, और दूसरे केस में लॉस कितना आएगा, Y-20। तो इससे हमारे पास Y की वैल्यू आ जाएगी 30। क्लियर? सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव हो रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, क्या है, ये आपका 2019 में आया था। स्टूडेंट, जिन जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक अपने आप को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन देख रहे हैं 2019 में जो क्वेश्चन आया था। क्या है कि राकेश हैड मनी टू बाई 8 मोबाइल फोन्स,
फॉर ए स्पेसिफिक कंपनी ऑफ ए स्पेसिफिक कंपनी बट द रिटेल ऑफर द रिटेलर ऑफर वेरी गुड डिस्काउंट ऑन दैट पर्टिकुलर हैंडसेट राकेश कुड बाई ऑन 10 मोबाइल हैंडसेट्स विद द सेम अमाउंट ही हैड व्हाट इज द डिस्काउंट द रिटेलर ऑफर। देखो ये उसी तरह का क्वेश्चन नहीं है कि आपका जब आप कहीं पे शॉप पे जाते हो तो वहां पे लिखा होता है कि दो के साथ दो फ्री होता है, ठीक है, दो खरीदो उसके साथ में तीन शर्ट्स फ्री। तो इसी तरह से है कि वो कह रहा है कि भाई आपके पास में जो पैसे हैं वो कितने हैं, 8 मोबाइल हैंडसेट के हैं बट इतने ही मनी के अंदर अब वो क्या कर रहा है, 10 मोबाइल हैंडसेट परचेज कर पा रहा है। क्लियर, दैट मीन्स कि जो एमपी है जो 10 है, हम ये मान लेते हैं कि जो एक प्रोडक्ट है उसका 1 रुपये है, ठीक है जी, 1 रुपये लगा लो जी आप उसको, 1,000 रुपये लगा लो, 10,000 कोई मर्जी अमाउंट ले लो, हम अभी 1 ले रहे हैं, ठीक है जी। एमपी कितना है, 1 मोबाइल सेट। क्लियर, तो 10 मोबाइल्स परचेज कर रहा है ना, वो 10 हैंडसेट्स मिले उसको, तो 10 का एमपी कितना हो जाएगा, हाँ जी 10 का एमपी कितना हो गया, 10 रुपीज हो गया। क्लियर, हाँ जी, बट उसने पेमेंट कितनी करी, पेमेंट कितनी करी है, 8 मोबाइल हैंडसेट्स जितनी करी है, दैट मीन्स कि जो एसपी ऑफ 10, तो जो एसपी है, ठीक है, तो एसपी कितना है 10 मोबाइल्स का, हाँ जी 8 रुपीज। देखो समझ आ गया कि उसने जो सामान लिया है, जो परचेजिंग करी है, वो तो 10 हैंडसेट्स की करी है, दैट मीन्स कि जो उसके पास प्रोडक्ट आया है तो उनके ऊपर जितना भी एमआरपी था टोटल वो 10 रुपीज़ था मान लीजिए, बट उनके बदले उसने जो पेमेंट करी है वो पेमेंट कितने की करी है, 8 मोबाइल हैंडसेट जितनी करी है, दैट मीन्स कि 8 रुपीज़ करी है। क्लियर, तो यहाँ से देखिए डिस्काउंट क्या निकल के आ गया आपके पास में, डिस्काउंट क्या होता है, एमपी माइनस एसपी, सो डिस्काउंट कितना आ गया आपके पास में, 2 आ गया। अब डिस्काउंट परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करते हैं, डिस्काउंट परसेंटेज मैंने आपको बताया था कि जो डिस्काउंट परसेंटेज है वो हमेशा किस पे कैलकुलेट होती है, आपकी एमपी पे कैलकुलेट होती है, एंड हेयर द एमपी इज 10 रुपीज, सो 2/10 इंटू 100। वैसे तो ये 100 लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, जो परसेंटेज के अंदर फ्रैक्शन वैल्यू, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, ये सारा आपको आना चाहिए। तो क्या है कि अभी हमारे पास में इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको सारा का सारा करवा पाऊँ, सो अभी मैं आपको जस्ट समझा रही हूँ कि आपको ईजिली समझ आ जाए, ठीक है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए 1/5 किसके इक्वल होता है, 20% के इक्वल होता है, तो ये इतना कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ पे डिस्काउंट परसेंट कितना आ गया आपके पास में, 20% आ गया। क्लियर, तो आंसर क्या आ जाएगा, बी आंसर आ जाएगा। दोबारा से समझा देती हूँ क्वेश्चन को, क्या है कि यहाँ पे हम ये मान लेते हैं कि एक मोबाइल हैंडसेट जो है उसका एमपी कितना है, 1 रुपी है, सो 10 मोबाइल का एमपी कितना हो जाएगा, 10 रुपीज, एंड राकेश पेड ओनली द प्राइज ऑफ 8 मोबाइल हैंडसेट्स बिकॉज ही हैड ओनली द 8 मोबाइल हैंडसेट प्राइज। तो यहाँ पे इसने कितना दिया है, 8 रुपीज, सो डिस्काउंट इज 2 रुपीज, डिस्काउंट परसेंटेज इज डिस्काउंट डिवाइडेड बाई एमपी मल्टीप्लाई बाई 100। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू आपके पास में क्या आ गई है, हाँ जी 20% आ गई। तो आंसर क्या हो गया आपके पास में, 20%। क्वेश्चन आपका एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है, बाय टू गेट टू फ्री, फाइंड डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट परसेंट फाइंड आउट करो। हाँ जी देखो एक लाइन का क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है। कैसे करोगे, अगर आपका क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में आ जाता है तो आप उसको कैसे करोगे, हाँ जी अभी मैंने आपको बताया कैसे करेंगे हम, सिंपल है, कैसे करोगे, चलो यहाँ पे इसको भी रहने देते हैं, दोनों को देखिए। यहाँ पे देखिए हमारे पास में एमपी कितना हो जाएगा, हम टोटल कितना परचेज करके लेके आ रहे हैं, उसने कहा है 2 फ्री एंड 2 बाई करोगे आप, दैट मीन्स कि यू विल पे द प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल्स एंड यू विल गेट 4 आर्टिकल्स, सो एमपी विल बी 4 एंड एसपी विल बी 2। क्लियर, सो डिस्काउंट इज 2, हाँ जी डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 2 रुपीज, एंड डिस्काउंट परसेंटेज विल बी 2/4,
बाई फोर मीन्स 1/2 एंड 1/2 मीन्स, हाँ जी 1/2 मीन्स आपके पास में हो गया 50%। हाँ जी क्लियर है, वेरी गुड। तो किसी भी तरह का क्वेश्चन के आपका एग्जाम के अंदर आ सकता है, तो स्टूडेंट यू शुड बी प्रिपेयर फॉर ईच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। क्लियर। सो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू सो मच।